तो आज का जो हमारा सेशन है वो किस पे है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है, और ओपनएसएल के थ्रू। एक तो हमने पढ़ा था बेस 64 और एक AES 256, ठीक है। तो बेसिकली जो कंसेप्ट होगा वो इसका होगा। हमारे पास एक बेस 64 से एल्गोरिथम होगा, फिर उसके बाद AES एल्गोरिथम होगा, ठीक है। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन मेरा? अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है। ओके। तो जैसे कि हमारा एक फाइल है, या फाइल का कंटेंट को, ठीक है, a.txt, इसको हमें इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो जब हम इनक्रिप्ट करेंगे फाइल को, तो यहाँ पे एक और फाइल बनेगी a.txt, रहेगी a.txt ही, बट कैसी रहेगी, इनक्रिप्टेड हो सकती है, ठीक है, रहेगी, लेकिन a.txt यहाँ पर कुछ और नाम देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो AES.txt, ताकि पहचान में आए, लेकिन रहेगा टेक्स्ट फाइल ही, बट वो इनक्रिप्टेड रहेगा। उसके बाद एक और सिक्योरिटी लगाएंगे हम, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपन SSL के थ्रू बेस 64 एल्गोरिथम इस्तेमाल करके, ठीक है। अब फाइल ये भी रहेगी उस तरह से, टेक्स्ट फाइल ही रहेगी, लेकिन इसका नाम कुछ और हो जाएगा। मान लो बेस पहचानने के लिए bash.txt कर दे रहे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट है, सबसे पहले क्या है, सिंपल टेक्स्ट फाइल यहाँ पे है। उसके बाद किस एल्गोरिथम से इनक्रिप्टेड फाइल यहाँ पे, AES का टेक्स्ट। ठीक है, AES एल्गोरिथम के इस्तेमाल कर कर से ये जो फाइल है AES.txt, वो किससे इनक्रिप्टेड है, AES AES एल्गोरिथम से, ठीक है, ये AES एल्गोरिथम से इनक्रिप्टेड है। इसके बाद उस फाइल पे हम लोग क्या लगाएंगे, उसको वापस इनक्रिप्ट करेंगे, और कौन से एल्गोरिथम से, बेस 64, ठीक है, बेस 64 एल्गोरिथम से। अब जो यहाँ फाइल है, जो भी आउटपुट होगा यहाँ पे, वो कैसा होगा, फुल इनक्रिप्ट, डबल लेयर इनक्रिप्टेड, दो लेयर के, ठीक है। यहाँ जो फाइल होगा उस पर क्या होगी, डबल लेयर इनक्रिप्शन होगा, इस फाइल पर डबल लेयर का इंक्रिप्शन हो गया, सेटअप हो गया। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सेम चीज को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलो चलते हैं इस मशीन में। लाइन सिस्टम दिख रहा है आपको, ठीक है। हम लोग एक फोल्डर के अंदर जाते हैं, उसके अंदर जाके काम करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, सारी फाइलों को डिलीट कर देते हैं। ये सब प्राइवेट की पब्लिक की बताया था बैच को, साइबर सिक्योरिटी की एक और बैच चल रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सिंपल फाइल है, satish.txt, ठीक है। तो इसको भी डिलीट करते हम लोग, एक सिंपल फाइल ही बना लेते हैं, एक शुरुआत से फाइल बना लेते हैं, जैसे हमने डायग्राम बना रखा है, vim a.txt, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इंसर्ट लेके लिख देते हैं, ठीक। हमने इस कंटेंट को लिख दिया और फाइल को सेव कर दिया। अभी देखो क्या है, दो फाइल है, एक फाइल है सिर्फ a.txt, ठीक है, कैट a.txt हमने किया,
तो हम देख सकते हैं ये फाइल इनक्रिप्टेड नहीं है, यानी सिंपल टेक्स्ट फाइल है। अब मैं इस फाइल को इनक्रिप्ट करूंगा AES एल्गोरिथम से। किस एल्गोरिथम से? AES एल्गोरिथम से। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, तो कैट और फाइल का नाम a.txt, मैं इसको बोलता हूं तुम्हें कि तुम्हारा आउटपुट को मैं इनक्रिप्ट करने वाला हूं। ओपन एस एस एल कौन सा एल्गोरिथम इनक्रिप्ट करो, किस एल्गोरिथम से? AES 256 CBC, ठीक है। और इसको किस फाइल में डाल दो? AES.txt। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, कुछ भी पासवर्ड डाल दो। हमने 123 डाल दिया, इसका मतलब ये फाइल अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। देखिए अब a.txt और AES.txt दोनों टेक्स्ट फाइल हैं, बट a.txt इनक्रिप्ट हो चुका है AES एल्गोरिथम से, और होकर क्या बन चुका है? AES.txt बन चुका है। अब हमें RM-RF से a.txt को डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास इनक्रिप्टेड फाइल है जिसका नाम है AES.txt। बिल्कुल बिल्कुल, अब देख रहे हो ना, अब देखो AES फाइल को कंटेंट। हाँ बिल्कुल हो गया ना, नहीं a.txt इनक्रिप्ट नहीं हुआ, a.txt था, मैंने उसको उसके आउटपुट को इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है मैंने उसके आउटपुट को इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो आउटपुट को इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो ये फाइल को हमने इनक्रिप्ट कर दिया AES.txt में। आप देख सकते हैं AES.txt का कंटेंट कैसा है, इनक्रिप्टेड कंटेंट दिखा रहा है। अभी तो AES सिर्फ एक ही इनक्रिप्शन हुआ है, आपको दिख रहा होगा एक ही इनक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। AES एल्गोरिथम से एक बार इनक्रिप्ट हुआ, एक बार और इनक्रिप्ट करने जा रहा हूं मैं Base64 एल्गोरिथम से। तो अब बिल्कुल सही, ENC-Base64, ठीक है। और इसको हम लोग किसमें कर दे रहे हैं? Base.txt में, ठीक है। अब ls करते हैं, तो अब हमारे पास Base.txt आ गया। तो जो Base.txt फाइल है वो क्या है? AES.txt का इनक्रिप्टेड, इसका इनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है ना। Base.64 को इनक्रिप्ट कर, AES.txt को इनक्रिप्ट कर दिया वापस हमने, और किसमें कन्वर्ट कर दिया? Base.txt में। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। अब जो हम डिलीट कर देंगे किसको? RM-RF से AES.txt को, क्योंकि उसकी हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ फाइनल फाइल रखेंगे Base.txt फाइल, ठीक है। अब ls किया, अब हमारे पास है Base.txt फाइल। ये जो फाइल है वह कैसा है? डबल इंक्रिप्शन हो गया है, A.txt को डबल इंक्रिप्शन करने के बाद बना है Base.txt। अब हम डिक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो डिक्रिप्शन प्रोसेस चलने के पहले नीचे में मैं डिक्रिप्शन प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि ये फाइल वापस आ रही है उधर से इधर, बिल्कुल। तो सबसे पहले किस एल्गोरिथम को करेंगे इनक्रिप्ट करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे? Base64, ठीक है। और उसके बाद AES, तब जाके हमें वापस a.txt फाइल मिलेगा। तो चलो डिक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं। अब तो अब डिक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले Base.txt को Base एल्गोरिथम से, Base64 एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट करते हैं। तो कैट
बेस डॉट टी एस टी को ओपन एस एस एल की मदद से बेस 64 एल्गोरिथम को यूज कर हाइफन डी स्टैंड फॉर डिक्रिप्ट और वापस किस में लाते ए एस डॉट टी एस टी। तो आप वापस बेस डॉट टी एस टी से किस में आ जाएगा ए एस डॉट टी एस टी। आप देख सकते हो ए एस डॉट टी एस टी आ गया। तो बेस डॉट टी एस टी को हम क्या करेंगे डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास आ गया ए एस डॉट टी एस टी जो कि अभी भी इनक्रिप्टेड है, लेकिन किस फॉर्मेट से इनक्रिप्टेड है। अभी एक इनक्रिप्शन हट चुका है, इसमें से दूसरी इनक्रिप्शन है ए एस एल्गोरिथम, बाकी ए एस एल्गोरिथम लगा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब इस फाइल पर से ए एस एल्गोरिथम भी हटा देंगे और इसको ए डॉट टी एस टी में ले आएंगे। तो कैसे हटाएंगे, कैट ए एस डॉट टी एस टी ओपन एस एस एल और ई एन सी हाइफन ए एस 256 सी बी सी, ठीक है, और हाइफन डी इसको डिक्रिप्ट कर दो और किस फाइल में ला दो ए डॉट टी एस टी। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, जो पासवर्ड दिया था हमने ए एस को 123 उसी पासवर्ड से डिक्रिप्ट हो गया ए डॉट टी एस टी। अब आ रहे हाइफन आर एफ से ए एस डॉट टी एस टी इनक्रिप्टेड फाइल जो था उसको डिलीट कर दिया। हमारे पास वापस हम कौन सी फाइल मिल गई हमें ए डॉट टी एस टी, देखते हैं कंटेंट वही है जो हमने डाला था कि नहीं, यही कंटेंट डाला था हमने। तो देखो हमने इनक्रिप्ट भी किया, इस पूरे प्रोसेस को इनक्रिप्ट किया और वापस डिक्रिप्ट भी कर दिया, इनक्रिप्ट भी किया और डिक्रिप्ट भी कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट से बैच से उससे क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनक्रिप्शन हो गया एएस का बेस 64 का, उसके बाद ए डॉट टी एस टी के ऊपर वीम से सिक्योरिटी लगाएंगे। ये जो भी टेस्ट फाइल होगी उस पर किससे लगाएंगे, वीम से, उसके बाद जी पी जी, उसके बाद जीप, उसके बाद जी पी जी हाइफन पी, उसके बाद ओपन एस एल डी एस थ्री एल्गोरिथम लगाएंगे, जिसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो आपका डाउट था इसको लेकर था, ठीक है, अभी क्लियर हो चुका है इसका कैसे इनक्रिप्ट करना है, कैसे डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो हमने ए एस एल्गोरिथम और बेस 64 एल्गोरिथम, दो दो एल्गोरिथम के यूज करके हमने देखा कि फैसे फाइल को इनक्रिप्ट कर देते हैं हम लोग, एक्सटेंशन वहीं रहेगा बट फाइल इनक्रिप्ट हो रहा है, डबल लेयर इनक्रिप्शन हो गया इसमें। इस पर अभी आगे हम लोग और भी मल्टीपल लेयर इनक्रिप्शन चढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं।